डॉक्टर उमा महेश ढेरे, हंसराज मोरारजी पब्लिक स्कूल में हिंदी की एचओडी हूँ, हिंदी पढ़ाती हूँ। सेम वे बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की मेंबर भी हूँ, और बाल भारती की जो 8वीं और 10वीं की जो किताब है, टेक्स्ट बुक निकाली है, उसमें भी मैं एक सदस्य के रूप में काम कर चुकी हूँ। इस वर्ष मुझे राज्य स्तरीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार मिला। शायद मैंने शिक्षा क्षेत्र में जो कार्य किया उसके लिए मुझे दिया है अपने राज्य सरकार ने। स्टेम एजुकेशन, ये अभी भविष्य की मांग है, क्योंकि भविष्य में अगर इंजीनियरिंग साइड में जाना है या किसी भी पक्ष में आपको अगर जाना है तो स्टेम एजुकेशन इज़ ज़रूरी, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश आना ज़रूरी है। उसके साथ साथ विज्ञान का आपको ज्ञान ज़रूरी है, गणित तो उसके साथ आता ही है, और टेक्नोलॉजी, क्योंकि आज का ज़माना टेक्नोलॉजी का है। बच्चे सोशल मीडिया पे वगैरह काफ़ी हमसे आगे हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं, मगर उसके साथ साथ अगर वो आपके पाठ्य पुस्तक के रूप में आपके सामने आएगा तो शायद उसके बारीकी से वो पढ़ाई कर सकेंगे और उसका इस्तेमाल अपने भविष्य में जब कोई भी करियर चुनेंगे तो उसमें करेंगे, तो उसका फ़ायदा उन्हें ज़रूर होगा। करिकुलम में जैसे आपके बाकी के विषय है, हिंदी, मराठी, अंग्रेज़ी, विज्ञान, सोशल साइंस और मैथ्स, इसके साथ साथ स्टेम एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन की किताब भी आप अगर सब्जेक्ट अगर आप शुरू कर देंगे तो बच्चे उसको बारीकी से पढ़ेंगे और उसका इस्तेमाल वो अपने दैनिक जीवन में करेंगे। तो जब 12वीं के बाद सीधा बच्चे टेक्निकल एजुकेशन में जाते हैं तो उनको वो भारी भारी बड़े बड़े शब्द पढ़ने में दिक्कत होती है, मगर वही अगर विद्यालयीन जीवन में वो पढ़कर जाएंगे तो शायद वो उन्हें आसान लगेगा। तो पेरेंट्स को मोटिवेट करना है कि ये किस लिए ज़रूरी है, जैसे कि आजकल पेरेंट्स हॉबी क्लासेस, स्पोर्ट्स, इसके लिए अपने बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं, तो वो भी ये विषय बच्चों को चुनने के लिए मोटिवेट करें, प्रोत्साहित करें। टीचरों को उसके बारे में, उस विषय के बारे में, अगर जैसे टेक्स्ट बुक निकलती है तो हमारी जो राज्य शिक्षा जो है वो उसके प्रशिक्षण रखती है, तो उस प्रकार के प्रशिक्षण रख कर किस प्रकार से ये शिक्षा दी जानी चाहिए उसकी अगर जानकारी देंगे तो ज़रूर हमारे शिक्षक भी, वो तो टेक्नोसोवी है, तंत्रस नहीं है, नई नई टेक्निक, नए नए विषय सीखना उन्हें अच्छा लगता है, तो ये भी अगर विषय उन्हें सीखने मिलेगा, बच्चों को सिखाने मिलेगा, तो मुझे लगता है उन्हें भी खुशी होगी और मुझे लगता है बच्चे भी ज़्यादा दिलचस्पी लेकर ये पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक तरह का कौशल है जो विकसित होंगे। स्कूलों को उन्होंने ये ATL अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो रोबोटिक लैब है वो डोनेट की है, स्पॉन्सर की है, मगर काफ़ी सारे स्कूलों में नहीं है, और मुझे लगता है मुख्य स्वरूप शहरों के विद्यालय तो इसको इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने के कारण ले सकते हैं, मगर हमारे जो गांव के स्कूल्स है, विद्यालय है, उनके पास भी अगर एक ज़िले में एक स्कूल में भी इस तरह की लैब खोली जाएगी तो उस ज़िले के आसपास के जो स्कूल है वो महीने में एक बार वो बच्चे भी इसका आनंद ले सकेंगे और जानकारी हासिल कर सकेंगे, कौशल हासिल कर सकेंगे। तो ज़िले में एक अटल ATL लैब तो होनी ही चाहिए। अगर राज्य सरकार के लिए मैं इसकी दरख्वास्त करूँगी, विनती रखूँगी, इस तरह का कोई पत्र भी दूँगी उसके लिए विनती का, मगर अगर वो इसकी शुरुआत करें तो हमारे महाराष्ट्र के बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा।